Hello student, today we see the next problem which is based on the steady state error for the system with open loop transfer function. Okay, so see, this is the problem that is g of s h of s is equals to 10 s plus 2 s plus 3 upon s s s plus 1 s plus 5 s plus 4. Okay, यहाँ पे input जो दिया है वो है r of t is equals to 3 plus t plus t square. और फाइंड आउट क्या करना है आपको, दैट इज के पी के वी एंड के ए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हेलो स्टूडेंट, टू सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम दैट इज फर्स्ट सी द टाइप ऑफ फर्स्ट दैट इज जी ऑफ एस एच ऑफ एस. ओके, दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर द टाइप फर्स्ट. देन कंपेयर इट विद द अवर problem, that is g of s h of s is equals to 10 this. okay, so see, आपको क्या करना है, ये जो आपका गिवन इक्वेशन है और गिवन प्रॉब्लम है ये फॉर्म में आपको लिखना है. तो ये फॉर्म क्या है, 1 प्लस s के फॉर्म में है, सभी 1 प्लस s के फॉर्म में है. तो इसको भी आपको 1 प्लस s के फॉर्म में लिखना है. यहाँ पे 1 प्लस s सिर्फ यहीं पे है, बाकी जगह पे आपको 1 प्लस s लाना है. तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से जो है आपको कॉमन निकालना पड़ेगा. यस, दैट इज टू और यहाँ से थ्री, तभी यहाँ पे क्या आएगा, वन आएगा. ओके, सो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 राइट एज इट इज, एंड देन एक ब्रैकेट में क्या आएगा, टू अगर कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1/2s + 1. ओके, और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, दैट इज यहाँ से हम लोग 3 कॉमन निकालेंगे तो 1/3s + 1. ओके, सो s प्लस 1 की टर्म आ गई अपने यहाँ पे, यहाँ पे भी s प्लस 1 की टर्म आ गई. नीचे में भी वैसे ही करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे भी 1 + s की टर्म है. सो फर्स्ट वाली टर्म तो वैसे लिखेंगे हम लोग, क्या है, s s प्लस 1 रिटर्न एज इट इज. ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव टू कॉमन 5, दैट इज 1/5s + 1. इसमें से क्या निकलेगा, 4 निकलेगा. सो क्या आएगा, 1/4s + 1. ओके, सो बाद में क्या करेंगे, जो भी अपने नंबर्स है कॉमन निकाले हुए उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. सो क्या होगा, दैट इज ये यहाँ पे कितना आएगा, 60 आएगा. ओके, और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, दैट इज 1 + 1/2 को मैं लिख लूँगी 0.5. यस, वैसे की वैसे. ओके, और नेक्स्ट इसमें क्या आएगा, 1 + 1/3 को मैं लिख लूँ 0.3s. ओके, नीचे में देखो 5/4 कितना आएगा, 20, बाकी वैसे ही रहेगा. देखो s + 1, इसको भी मैं क्या लिख रही हूँ, 1 + 0.2s. 1/5 को हम 0.2 लिखेंगे, इधर 1 + 1/4 को मैं 0.25s लिखूँगी. ठीक है, अभी अपने जो भी फॉर्म है वो फॉर्म में आ गए. देखो 1 + ts, दैट इज 1 + t, ये हम लोग t कंसिडर करेंगे, s ये भी सेम, नीचे वाला भी वैसे ही आ गया. देखो 1 + ts 1 + ओके, सो 1 + ts लिख लेंगे, ये 1 आगे लिख लेंगे, वैसे भी चलेगा. ओके, सो उसके बाद में क्या करना है आपको, जो भी टर्म है यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा. ठीक है, तो लास्ट में आपका इक्वेशन क्या बनेगा, सॉरी प्रॉब्लम में क्या आएगा, 1 + 0.5s 1 + 0.3s. ओके, और इधर नीचे क्या आएगा, s, इसको मैं लिख रही हूँ 1 + s, तो सेम ही होगा. यस, 1 + 0.2s 1 + 0.25s. ओके, उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या निकालना है आपको, के पी निकालना है. सो के पी का फॉर्मूला लिखेंगे. के पी का फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंस टू 0 g ऑफ s h ऑफ s. ओके,
ये जो वैल्यू है जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू इसमें डाल देंगे, ये अपना क्या है जी ऑफ एस एच ऑफ एस है। ओके सो इसमें मैं पुट कर दूंगी तो क्या होगा, क्या होगा फिर अपने इसमें जो पुट कर दिया तो लिमिट एस टेंस टू जीरो तो वैसे ही रहेगा, ये इक्वेशन में नीचे लिख रही हूँ, तो क्या होगा 3 1 प्लस 0.5 s 1 प्लस 0.3 s। नीचे आएगा 1 प्लस s 1 प्लस 0.2 s 1 प्लस 0.25 s। ओके अभी आपको क्या करना है, लिमिट को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको लिमिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कैसे करते हैं हम लोग, लिमिट इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको जाएगा, जो भी ब्रैकेट है टर्म उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या होता है, जहाँ पे भी एस की टर्म है वहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके सो हम लोग देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है एस की टर्म, यहाँ पे है तो क्या आएगा जीरो, यहाँ पे भी एस की टर्म है तो जीरो आएगा, यहाँ पे भी एस की टर्म है तो जीरो आएगा, यहाँ पे भी एस की टर्म है तो जीरो आएगा, यहाँ पे भी एस की टर्म है जीरो, यहाँ पे एस की टर्म है जीरो। ओके तो क्या होगा, यहाँ पे थ्री वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो जीरो होगा, तो क्या बचेगा अपना, ये वन और ये वन, मीन्स 3 × 1 = 3। ओके और नीचे देखो, यहाँ यहाँ पे भी जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, और ये मल्टीप्लीकेशन में है एस सभी ब्रैकेट को, तो क्या आएगा नीचे जीरो आएगा। ओके एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो व्हाट विल बी द आंसर, दैट इज इन्फिनिटी। सो के पी इज इक्वल्स टू कितना आया, दैट इज इन्फिनिटी। ओके उसके बाद में हम लोग के वी निकालेंगे, के वी का फॉर्मूला भी आपको पता है, दैट इज के वी इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंस टू जीरो एस जी ऑफ एस एच ऑफ एस। ओके सो फिर से हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एस एच ऑफ एस की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, दैट इज 3 1 प्लस 0.5 s 1 प्लस 0.3 s। ओके और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे s एक्स्ट्रा आएगा इधर ये फॉर्मूले का, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एस। ओके सो इक्वेशन एस 1 प्लस s देन 1 प्लस 0.2 s तर क्या आएगा 1 प्लस 0.25 s। ओके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये s और ये s कैंसिल हो जाएगा। ओके उसके बाद में हम लोग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो आएगा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो और यहाँ पे ज़ीरो, तो क्या होगा आंसर क्या आएगा, ऊपर में ये टर्म ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो, क्या बचे 1 × 1 × 3 मीन्स क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अभी क्या होगा, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, यहाँ पे ज़ीरो, क्या बचेगा फिर 1 1 1 मीन्स 1 × 1 × 1 दैट इज 1 मीन्स के वी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है आपका, दैट इज 3। ओके उसके बाद में जो हम लोग के ए देखेंगे, सो सी के ए का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको पता है, लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। सो इसमें भी हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है लिमिट एस टेंस टू जीरो एस स्क्वायर ये वाला, और बाद में पूरी अपना इक्वेशन दैट इज 1 प्लस 0.5 s 1 प्लस 0.3 s डिनोमिनेटर में आएगा s 1 प्लस s 1 प्लस 0.2 s 1 प्लस 0.25 s। ओके यहाँ पे क्या होगा, एक s बचेगा तो क्या रहेगा, लिमिट s टेंस टू ज़ीरो एक s यहाँ पे, बाकी वैसे की वैसी रहेगा, अभी फिर से हम लोग लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा, ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो,
ये ज़ीरो, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो. ओके सो क्या रहेगा अपना आंसर, क्या आ रहा है यहाँ पे, ये भी ज़ीरो. मल्टीप्लिकेशन टर्म ज़ीरो है तो पूरा क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएगा. और नीचे क्या आएगा रहा है देखो, वन. एनी मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय वन इट इज़ ज़ीरो. सो के आ रहा है अपना ज़ीरो. ओके इसके बाद में देखेंगे एरर स्टेटमेंट. ओके एरर स्टेटमेंट निकालना है तो आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, दैट इज़ आर ऑफ टी इज इक्वल्स टू थ्री प्लस टी प्लस टी स्क्वेयर. ओके इसमें क्या रहता है, ये के पी रहता है, ये के वी रहता है और ये के रहता है. तो एरर स्टेटमेंट, एरर स्टेटमेंट क्या होगा, के पी इज इक्वल्स टू ई एस एस वन इज इक्वल्स टू, के पी का इक्वेशन क्या है, वन प्लस के पी. सो यहाँ पे ए जो है के पी का, के पी जो है ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थ्री है, वन प्लस के पी की वैल्यू कितनी आई थी, इन्फिनिटी. सो थ्री डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, वन प्लस इन्फिनिटी इट इज़ ज़ीरो. ओके वैसे के वी का निकलना है, ई एस एस वन टू. एरर स्टेटमेंट फॉर के वी इज़ ए अपॉन के वी. ऑलरेडी ए पता है आपको कितना है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितना है, वन है. सो वन बाय के वी आपका कितना है, थ्री. तो आंसर कितना आएगा, 0.3 के ई एस एस थ्री. फॉर्मूला है के ए बाय के ए. यहाँ पे ए कितना है, ऑलरेडी कॉन्स्टेंट वन है, वहाँ पे भी, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, वन. ओके के कितना आया था, ज़ीरो. तो वन डिवाइडेड बाय ज़ीरो इट इज़ इन्फिनिटी. सो टोटल स्टेडी स्टेट एरर कितना आएगा, तीनों की आपको एडिशन करनी पड़ेगी, एस एस वन टू और थ्री एडिशन की तो कितना आएगा, ये ज़ीरो प्लस 0.3 प्लस इन्फिनिटी. सो कितना आएगा, सो आपका आंसर आएगा इन्फिनिटी. ओके थैंक यू वेरी मच.